नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। देखिए दोस्तों, हमने एलजेब्रा के दो पार्ट पढ़े थे, छोटे छोटे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया, इक्वेशन बताई, डिग्री बताई, टर्म बताई। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, आप किसी टीचर से पूछेगा उसको भी नहीं पता होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस। मैं आगे आपको आइडेंटिटी भी बताऊंगा, आइडेंटिटी क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, लॉकडाउन का समय है, बड़े एडजस्ट करके कोशिश करके लेक्चर बना रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर, अगर वॉइस क्वालिटी गड़बड़ है या आपको कैमरा सही एडजस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बोर्ड तो मेरे पास फिलहाल इतना ही है, मिल भी नहीं रहा कहीं और, ठीक है। तो आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। इस कमिटमेंट के साथ आप पढ़ाई करेंगे, आप लोग अगर मुझे एनकरेज करेंगे, फर्स्ट दो वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया इसलिए मैं तीसरी भी बना रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखिए दोस्तों, हम एक बात समझते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करते हैं। इसका मत होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये x आएगा इंटू वन अपॉन एक्स आएगा, तो कट जाएगा तो 2 ही बचेगा ही, तो कुल मिला के सीधा ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अगर मैं x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि एक्स एक्स फिर उसमें कट जाएगा। तो मैं इससे ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं सीधा ये निकाल सकता हूँ x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। और अगर यहां से निकालनी है तो ये देखो यहां से भी निकल सकती है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, ये x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 को इधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर से। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो हमें निकालनी अगर प्लस की वैल्यू है, ये बात ध्यान रखिए, अगर मुझे निकालना प्लस ही है और हमें अगर प्लस वाला दिया गया तो यहाँ से 2 माइनस करना पड़ेगा, और अगर हमें प्लस की वैल्यू निकालनी है तो अगर हमें माइनस वाला निकालना है तो प्लस वाला ही निकालना है तो हमें माइनस वाला दिया गया है तो माइनस का स्क्वायर करके इसमें प्लस 2 करना पड़ेगा, बस एक इतनी सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनिए, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल बात है, आप अगर फॉर्मूला दो तीन बार आप लिखोगे ना कि आपको पता लगे हाँ ये बार बार कट जाएगा, 2 को इधर उधर ले जाओ तो बात निकल के आती रहेगी, सिंपल सी बात ये है। चलिए तो अगर हमें दिया जाए, तो अगर हमसे रिवर्स पूछा जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से क्या होगा, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बेस पे होंगे। तो अब देखिए आपसे क्या पूछा, अगर आपको किसी को डाउट हो रहा होगा सर इसकी कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो बेटा इसका तो ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और ये होता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऐसी स्थिति में अगर माइनस वाला निकाल रहा है तो हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी चाहिए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स भी चाहिए, तो उसके इसमें अलग बचेगा। लेकिन अगर आप इसका निकालना चाहते हो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो हमने इसके दो तरीके ढूंढे हैं, दोनों बता देता हूँ। इधर देखिए, अगर यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और इधर क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा प्लस, बस इतनी सी बात, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है, तब आप ये बात देखेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इन वीडियो को बार बार आप कई बार देखिएगा, ये बहुत बेसिक बातें हैं और आपको क्वेश्चन बड़ा आसान कर देंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 की वैल्यू मैंने आपको दे दी 11, तो आप बताइए x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा। मैं दोनों निकलवा देता हूँ, आप लोग इसकी भी बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम दोनों सोल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको देखो मैं बता रहा हूँ कि स्टेप देखिएगा, फिर शॉर्टकट पे आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो ये प्लस वाला ही, हमें माइनस वाला ही पूछा है, प्लस वाला ही पूछा है, तो देखिए पहले मैं माइनस वाला प्लस वाला निकाल के दिखाता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड प्लस वन कर देते हैं, मैं इसकी वैल्यू निकलवा के दिखा रहा हूँ आपको, रेड से पिक कर देता हूँ इसको, मैं इसकी वैल्यू इधर निकलवा रहा हूँ, ठीक। अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इधर 2 जोड़ देता हूँ, तो इधर भी 2 जोड़ देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 13। तो
अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये किसके बराबर आएगा 13 के, और ये रूट इधर फिर लग जाएगा तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 13। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 13। तो आप सीधा कर सकते थे, दो जोड़ के रूट कर देते आपका आंसर आ जाता, ठीक है, और वही सीखा था हमने। तो अब देखते हैं, अगर मुझे माइनस वाली वैल्यू निकालनी थी तो इधर से माइनस कर देते, इधर से माइनस कर देते तो क्या आ जाता, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाता। इसकी वैल्यू निकलवा रहा हूँ मैं बिना रब, चलो रब करके ही बता देता हूँ, वैसे मैं डायरेक्टली एक बार बता ही देता हूँ, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो 11 माइनस दो कितना हो जाएगा 9, 9 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा भैया, ये 3 का स्क्वायर होता है तो रूट से रूट कट जाएगा, तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3। ठीक है बच्चों, बहुत बेसिक बात है, देख लीजिए। चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ इस बारे में आपने एक बार कम से कम तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी आप करके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार माइनस की मैं दोबारा डिटेल में निकलवा के दिखा देता हूँ, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ प्लस में तो आपसे माइनस की वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस टू कर देंगे, इधर भी माइनस टू कर देंगे, माइनस टू करने से क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बेटा इधर क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो हमारी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए सब करते हैं और मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था उसको भी बताते हैं, चले एक और निकालते हैं। पहले मान लीजिए आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर, आपसे आपको दे दिया गया, हाँ आपको दे दिया गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी गई आपको 9, और आपसे पूछी जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये तो बड़ा आसान है लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ, ओरली कर लाना चाहिए, आपको पता है x plus 1 upon x की वैल्यू 9 दी गई है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, इसको यहाँ सोल्व कर रहे हैं उसको यहाँ सोल्व करेंगे, आएगा x square plus 1 upon x square, तो ये आ जाएगा plus 2, वो किसके बराबर आ जाएगा 9, 9 जा 81, तो x square plus 1 upon x square की वैल्यू कितनी आ जाएगी 79, बस इतनी सी बात, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, ठीक है दोस्तों, x square minus 1 upon x square की वैल्यू। अगर अब इसी में वो पूछ लेता आपसे कलाकार, ये कर लेता, कह देता भैया x square माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनेगा, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, तो ये तो हमारे पास दे ही रखी थी, फिर हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू और निकालनी, ठीक है, तो चलो करते ही हैं, अब लिख दिया तो कर ही देते हैं इसको, ठीक है, मुझे पता आप लोग टैलेंटेड लोग हो, इस बात को समझ लोगे, तो मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए, तो आपके लिए कुल मिला के पहले अगर आपको ये निकालना आना चाहिए, अगर x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू अगर मेरे बच्चों दी गई है 5, तो आपसे पूछे पहले x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू निकाले, क्योंकि तभी आप निकाल पाओगे x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर की, जब आपको ये निकाल पाओगे, तो अब देखिए पहले ये निकालना सीखिए, अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, प्लस से माइनस में जाना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसका स्क्वायर टर्म निकालते हैं, हम इसको स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा, ये स्क्वायरिंग करने बोथ साइड तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, यहाँ तक कोई दिक्कत, 25 माइनस 2 23, मैंने स्क्वायर कर दिया, मुझे ये टर्म चाहिए था, ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों साइड दो दो घटा देते हैं, क्योंकि हमें माइनस वाला चाहिए ना, ठीक है घटा इस ले रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इधर मेरे भाई कितना बन जाएगा, माइनस 2 करने से 21, ठीक 21 बन गया। चलिए अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा 21 के बराबर, 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो सीधा मैं लिख सकता हूँ ये आएगा रूट 21, ठीक है। अगर आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है और आपको x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके इसमें से 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है, रूट 21। तो अगर a प्लस वन अपॉन a की वैल्यू दी गई है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, a, x प्लस वन अपॉन x की
ए दी गई है, तो देखो मैंने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया था ना, स्क्वायर करके उसमें से दो घटाया, 25 आया था ना, 23 कैसे आया था, 5 का स्क्वायर 25 और इधर वाला दो इधर चला गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2 हुआ। फिर उसके बाद मैंने दो और घटाया ताकि 21 आ जाए, क्योंकि इधर माइनस लगाना था, ये आंसर आया। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ए दी गई है, तो आप एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, सीधी आएगी आपके दिमाग में। ठीक है, प्लस से माइनस वाली वैल्यू निकालनी है सीधा एकदम। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपके एंट्रेंस में बड़ी हेल्प करेंगी और बेसिक मजबूत करेंगे जब भी हमारे एग्जाम क्लियर होते हैं। जैसे और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक आप सीधा करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं 29। ठीक है भैया, तो आप बताइए, हाँ 29 ही लिख लेते, चले कोई बात नहीं, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या, हमें इसकी वैल्यू, ठीक है 29 नहीं, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते, 9 ले लेते, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, 29 का स्क्वायर वगैरह घटा देंगे, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 9, तो हमें x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा तरीका आप देखिएगा, शॉर्टकट मैं कैसे करूंगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, प्लस पे माइनस पे जा रहे हैं ना भैया, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, इसका सीधा ये तरीका है, रूट का निशान बना दिया, नहीं ऐसे आप देखिए, हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट में लीजिए, माइनस 4 कितना आएगा ये 77, तो रूट 77 इसका आंसर हो जाएगा सीधा ही। ठीक है, जिसकी बात समझ में नहीं आई तो एक बार स्टेप से देख लो भाई, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूँ कैसे एसएससी पूछता है। अब देखिए क्या होगा क्वेश्चन, अब कैसे किया भैया, इसका पहले स्क्वायर करेंगे, जो स्टेप देखना चाहते हैं, देखिए आप घर में होमवर्क में इतनी स्टेप कर लीजिए कि आप सीधा शॉर्टकट पे आए, एफर्टलेसली डाइजेस्ट हो जानी चाहिए बात। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस 2 आएगा, ये किसके बराबर आएगा 81 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 79। ठीक है, और फिर माइनस 1 या 2 यहाँ से कर दीजिए, मैं इसमें अलग मार्कर से लिख देता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ना भैया इसकी, अब हम क्या करते हैं, ये इसकी वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करते हैं, हम 2 घटा देते, 2 इधर से घटा देते, 2 इधर से घटा देते, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी बन रहा है, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ये किसके बराबर आ जाएगा 77, तो ये रूट इधर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 77। समझ में आया मेरे बच्चों, इतना सब लिखने की बजाय अब इसको याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू a दी गई है, तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है a स्क्वायर माइनस 4, बस इंडिपेंडेंटली याद रखिए। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन आता है एसएससी में पूछता है बताता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, सबकी समझ में आ रहा है ना, हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को, आवाज़ वगैरह सब अच्छे से आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर बिल्कुल ठीक है बोर्ड, या बोर्ड थोड़ा ऊपर नीचे करें, बोर्ड तो फिलहाल मेरे पास इतना ही है, आवाज़ का जरूर बताइएगा वॉइस क्वालिटी ठीक है या नहीं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दे दी गई आपको 13 दे दी गई, ठीक है भैया, और आपसे पूछेगा x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू बताइए, तो अभी जिसने मेरे साथ पढ़ा है तो वही वाला तरीका है ना, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, नहीं नहीं वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 13 दी गई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ये पूछी गई है। तो बेटा देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या लिखना होता है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस 1 अपॉन, अगर आपको x square minus 1 upon x square निकालना है तो सीधा मैं इस पे ध्यान देने की बोल रहा हूँ, देखिए उस फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है ये कैसे आया, a square minus b square का अगर आपको निकालना है तो आपको a plus b चाहिए और a minus b चाहिए, क्योंकि a square minus b square की फॉर्म किसी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे कि भैया देखो x plus 1 upon x है और x minus 1 upon x है, तो x plus 1 upon x 13 आपको दे ही रखा है, ये 13 आपको दे ही रखा है ये रहा, ठीक है आपको x माइनस 1 अपॉन x और चाहिए, तो x माइनस 1 अपॉन x का आपको मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, a स्क्वायर माइनस 4, तो a स्क्वायर वर्ग कितना हो जाएगा 169 माइनस 4, तो ये कितना आएगा 165, रूट 165, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 165, ये आंसर है। तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 13 रूट 165, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव तरीका ही क्वेश्चन सीधा सोल्व करने का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम आप दो बार देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ दोबारा से, एक तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी है। और मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ए दी गई है, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, सीधा शॉर्टकट याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस फोर, खत्म। एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया टोटल। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, नमस्कार।